हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिंसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिंसा टेक पे। दोस्तों आज की मिस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश की 69 हज़ार शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में 1846 को लेकर आज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में माननीय पंकज भाटे सर के बेंच में सुनवाई लगी, लेकिन सुनवाई से पहले ही आपका केस स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है और एक बार फिर से यहाँ पर अभ्यर्थियों को झटका लगा हुआ है। देखते हैं आज सुनवाई होने के कितने चांसेज है। तो दोस्तों वीडियो को से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड वीडियोज को लेते हैं। दोस्तों कुछ समय पहले हमने आपको अपडेट दी थी, जब यहाँ पर जो है थोड़ी देर समय पहले, कि जो केस स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है और यहाँ पर लिखा गया है नेक्स्ट हियरिंग डेट 28 सितंबर 2022, डेट फिक्स्ड टाइड अब, ठीक है, स्टेज ऑफ केस फॉर ऑर्डर, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो है हमने जब देखा था तो वहाँ पर जो कोरम वाला ऑप्शन था, जहाँ पर जो है माननीय जज साहब का नाम लिखा होता है, वो ऑप्शन जो है खाली था। उसी समय हमको कुछ संदेह हो गया था कि यहाँ पर इसमें कुछ होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक बार फिर से दोबारा चेक किया लगभग देर रात में, तब यहाँ पर जो है एक बार फिर से केस का स्टेटस वो अपडेट हो चुका है। ये दोस्तों यहाँ पर जो है केस स्टेटस वो अपडेट हो चुका है, यहाँ पर देर रात में लिखा है रेट ए 13/56/2020, ठीक है। फर्स्ट हियरिंग डेट 8 अगस्त 2020, नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर जो है एकदम ब्लैंक शो कर रहा है, ठीक है, यानी नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो एकदम ब्लैंक शो कर रहा है। तो एक बार अभ्यर्थियों को फिर से झटका लगा हुआ है कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है और कोरम जो जज साहब का जो ऑप्शन होता है वो भी यहाँ पर जो है वो शो नहीं कर रहा है और काज लिस्ट टाइप भी यहाँ पर जो है वो भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर जो है जब अपडेट दी थी हमने तो वहाँ पर जो है ये सब शो कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब एक बार फिर से ये अपडेट है कि जो नेक्स्ट हियरिंग वाली डेट है वो भी नहीं शो कर रही है और जो माननीय जज महोदय कालम है वो भी नहीं शो कर रहा है और जो काली लिस्ट टाइप है वो भी नहीं शो कर रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यर्थियों को झटका लगा है कि जो मतलब कि सुनवाई से पहले ही आपका केस हिस्ट्री वो अपडेट हो चुका है। हालांकि जब जज साहब ने ऑर्डर दिया था तो उसमें यहाँ पर डेट क्लियरली मैंशन कर दी थी, यहाँ पर लिखा है पुट ऑन 28/9/2022 अलॉन्ग विथ ऑल कनेक्टेड मैटर्स, यानी यहाँ पर जो है इस मैटर को 28 तारीख को सुना जाएगा, लेकिन यहाँ पर उससे पहले एक बार केस का स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जज साहब इस केस को सुनते नहीं सुनते, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दो फ्रेश केस के बाद इसका नंबर लगा हुआ है, ठीक है, 301 नंबर पर इसका नंबर लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले ये केस का स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जज साहब इस केस को सुनते कि नहीं सुनते हैं, वो देखने वाली बात है। वहीं अभ्यर्थी आज भी डटे हुए हैं और अभ्यर्थियों का कहना, अगर सरकार अपना पक्ष आज नहीं रखती है तो हम यहीं पर डटे रहेंगे और हमें जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक यहीं पर हम डटे रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केस का स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है। अब आज सुनवाई होगी भी या नहीं भी इसके बारे में कुछ कहा नहीं सकता है। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि सुनवाई हो सके और इस मैटर को क्लियर हो सके, लेकिन देखने वाली बात है कि सुनवाई होगी कि नहीं होगी। तो इसके बारे में जैसे भी जो भी अपडेट निकलेगी आपको हम जानकारी देते रहेंगे।